हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के 300 एमसीक्यूज की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, ये उसका पार्ट टू है। पार्ट वन अपलोड कर दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और ये सीरीज जो स्टार्ट की है RPF, UP पुलिस, SSC, GD, अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिनमें हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नेक्स्ट सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखिए, मैंने इसी तरीके से मैथ की और रीजनिंग की वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट कर दी है। अगर आपको उनको भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 6 सेकंड मिलेंगी। आप 5 से 6 सेकंड में नीचे कमेंट बॉक्स में भी आंसर बता सकते हैं। इससे पहले 40 क्वेश्चन का जो टेस्ट था वो अपलोड हो चुका है पार्ट वन में, उसे देख लीजिएगा। इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी, तो 300 क्वेश्चन करने हैं कंप्लीट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी आज का पहला क्वेश्चन है 41, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया। तो महावीर कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे अगर 41 का राइट आंसर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल सही है, 42 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? फोर्टी थ्री का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुके हैं सारे के सारे, तो बिल्कुल सही अगर आप 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? तो 45 का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं? तो 46 का राइट आंसर बिल्कुल सही आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये राइट आंसर 47 का ए हो जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। चलिए 48, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो 48 बताइए जी, बिल्कुल सही अगर आप 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? फोर्टी नाइन का राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही अगर आप डी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, हरियक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही यहां पे 50 का राइट आंसर का आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? फिफ्टी वन का राइट आंसर बताइएगा। तो 51 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52,
निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो 54 का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है आपका। निम्न में से किस शासक को सर्वक्षत्रांतिक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो 55 का राइट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, 56 आपका, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 59, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन यहां पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए 60वें का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश का स्थापना की थी? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैग्नेस्टिनिस किसके दरबार में रहता था? तो 62 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है? क्वेश्चन नंबर 63 बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, इंडिका किसकी रचना है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 65, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है?
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी राइट रहेगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, यूनानियों ने किसे एमित्रो चेस्ट कहा है, यानी कि एमित्र घात कहा है। तो 66 का राइट आंसर यहां पे बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 68, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो 68 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 68 राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का वर्णन है, उसकी सॉरी। तो 69 का बिल्कुल सही राइट आंसर जा रहा है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शासक एवं अशोक नाम से नाम मिलता है। अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है। तो 70 का राइट आंसर बिल्कुल सही यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 71 है, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरमेइक में प्राप्त होता है। तो देखिए आपका 71 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 74, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। तो 74 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 75 निम्नलिखित हो गया ना धम्म का, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये भी आपका डी रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76, मौर्य काल में विशिष्ट किसे कहा जाता था। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। 77, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, यह भी कई बार आ चुका है। तो बिल्कुल सही है, 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, 78 है, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे।
तो 78 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी राइट रहेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 79, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो 80 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आज के टेस्ट में थे यही 40 क्वेश्चन, तो आपके अभी तक टोटल 80 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं मैं 2 या 3 वीडियो में नेक्स्ट सारे क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, मतलब कि 80 80, 90 90, या फिर 60 70 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बढ़ा के लेके आऊँ, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया, इससे पहला पार्ट नहीं देखा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, और बाकी रीजनिंग और मैथ की वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्री के जितने भी टेस्ट है वो सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो ये सारी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद लगा आया है आपको, कुछ भी अच्छा लगा है, वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं या पैटर्न अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से डायरेक्ट जाके इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा सौरभ मलिक, SAURABH MALIK, और 17 के लास्ट में पूरी आईडी यह है सौरभ मलिक 17 के, इसको सर्च करके फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।